नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 दिसंबर 2019 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च करने के लिए। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, बॉन्ड से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड? एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है रामलाल। रामलाल ने राजेंद्र नगर में फोटोस्टेट की एक दुकान ओपन करनी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसको दुकान ओपन करने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो वो क्या करता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट रेज करता है, मतलब पेपर पर प्रिंट करवा लेता है कि अगर देखो कोई मुझे 10 लाख रुपए देता है एक साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, जितने भी साल के लिए रामलाल को पैसा चाहिए, तो उसे रामलाल 5% इंटरेस्ट रेट देगा या फिर 10% देगा, मतलब जितना भी इंटरेस्ट रेट रामलाल ऑफर करना चाहता है वो कर सकता है। और देखो ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है रतन टाटा, जिसने रामलाल का बॉन्ड परचेज कर लिया और बाद में रामलाल की दुकान चली नहीं फोटोस्टेट की, और उसने बॉन्ड का वैल्यू नहीं किया, मतलब एक साल बाद उस इंटरेस्ट रेट पर रतन टाटा को पैसा नहीं लुटाया, तो रतन टाटा जो है वो केस कर सकते हैं रामलाल के अगेंस्ट, क्योंकि बॉन्ड में जैसा डिसाइड हुआ था वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट था और उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया है रामलाल के द्वारा। मतलब रतन टाटा रामलाल के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं कि इन्होंने लीगल इंस्ट्रूमेंट को ब्रीच किया है, इसकी वैल्यू नहीं की है, तो सिविल वायलेशन होगा और रामलाल के अगेंस्ट केस चल सकता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की बॉन्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। देखो जो गवर्नमेंट पीएसयूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, गेल, सेल, इनको भी समय समय पर कैपिटल की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं मार्केट से अपना बॉन्ड रिलीज करके। जैसे रामलाल ने 10 लाख रुपये जुटाए थे फोटोस्टेट की दुकान के लिए, उसी प्रकार से जो ये गवर्नमेंट पीएसयूज हैं ये भी अपना बॉन्ड लॉन्च कर सकते हैं पैसा जुटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो इस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होगा, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सेंट्रल पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर दूसरी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी बोरोइंग आप करना चाहते हो। मान लीजिए एनटीपीसी ने बोल दिया कि हमें 100 करोड़ चाहिए, सेल ने बोल दिया हमें 200 करोड़ चाहिए, गेल ने बोल दिया हमें 300 करोड़ चाहिए, टोटल कितना हो गया 600 करोड़। अब देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, 600 करोड़ रुपए की आवश्यकता है इन तीन कंपनीज को, बजाय इसके कि एनटीपीसी अपना अलग से बॉन्ड रेज करें, जो गेल है वो अलग से अपना बॉन्ड लॉन्च करें और सेल अलग से अपना बॉन्ड लॉन्च करें, इनका इकट्ठा बॉन्ड लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन देखो बॉन्ड को छोटे छोटे यूनिट्स में लॉन्च किया जाएगा, सबसे बेसिक जो यूनिट होगा वो 1000 रुपये का होगा। तो 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000, 1000 का बेसिक यूनिट होगा, इजिकल टू जितने भी यूनिट्स आएंगे उतने यूनिट्स बेच दिए जाएंगे मार्केट में और 600 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। समझ गए, मैं फिर से बोलता हूं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको पैसा चाहिए, तो जितना भी पैसा चाहिए उतने का बॉन्ड रिलीज कर दिया जाएगा मार्केट में और वो बॉन्ड खरीदा जा सकेगा जनता के द्वारा बेसिक यूनिट्स की सहायता से। और बेसिक यूनिट कितने का होगा, इसके लिए देखो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए जो बेसिक यूनिट होगा वो 1000 रुपये का होगा। यहां पर देखो लिखा भी होगा, ये देखो स्मॉल यूनिट साइज इज 1000 और जितने भी यूनिट बेचने पड़े आवश्यक पैसा इकट्ठा करने के लिए उतने यूनिट्स बेच दिए जाएंगे। 600 करोड़ तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल माना, असल में तो ये गवर्नमेंट को पता है कि कितने पैसों की उन्हें आवश्यकता है, उतने यूनिट बेच दिए जाएंगे बॉन्ड के और पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा। वैसे देखो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि जनता इस बॉन्ड को क्यों परचेज करें। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और दूसरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बॉन्ड्स होंगे तो डिफॉल्ट होने की संभावना काफ़ी कम है, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
एक बार देखो, बॉन्ड परचेज करने के बाद ऑप्शन रहेगा, आप 3 साल के बाद बेच सकते हो या फिर 10 साल के बाद बेच सकते हो। वैसे ये जो बॉन्ड्स हैं, यानी भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वहाँ पर भी ट्रेड हो सकेंगे। स्मॉल यूनिट साइज कितना है? 1000। ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब जनता को पता होगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर्स हैं वो शामिल हैं भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। कॉस्ट काफ़ी कम है, कितनी? 0.0005%। मतलब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मैनेज करेगी बहुत कम कमीशन लेगी। इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिपेंडेंट इंडेक्स प्रोवाइडर के द्वारा, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। देखो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को फायदा ये होगा इस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से कि वो लो कॉस्ट पर बोरो कर सकेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। एक खास बात भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, ये देखो फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इंडिया में। अगर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF है देश में, तो आंसर होगा यस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नो एस्केप मीटियोर मिसाइल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, इंडिया ने फ्रांस को बोला है कि भैया आप नो एस्केप मीटियोर मिसाइल हमें जल्दी डिलीवर कर दीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स को अगले साल मई में नो एस्केप मीटियोर मिसाइल की डिलीवरी मिल सकती है। मीटियोर मिसाइल के बारे में हम बात करें, ये देखो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब जितना हम देख सकते हैं उससे भी परे हवा में, हवा से टारगेट करने के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर। लेकिन देखो, इसके साथ साथ इस मिसाइल का नो एस्केप जोन है 60 किलोमीटर। मान लीजिए ए पॉइंट से मिसाइल को लॉन्च किया गया यहाँ से, उसके बाद देखो मिसाइल का ये 60 किलोमीटर रेडियस वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे टारगेट के बचने की संभावना बहुत कम है। मान लीजिए टारगेट मूव भी कर जाता है ना, तो इस 60 किलोमीटर के एरिया में मिसाइल टारगेट को हिट करेगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट गारंटी है। ये मतलब होता है नो एस्केप जोन का। तो नो एस्केप जोन जो है इस मिसाइल का, वो देखो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। इसके अलावा और कोई मिसाइल नहीं है जिसका नो एस्केप जोन इतना ज़्यादा हो। तो देखो, इस मिसाइल को अटैच किया जाएगा राफेल जेट्स से, और चाइना की एयरफोर्स का भी मुकाबला कर सकती है इंडियन एयरफोर्स जब राफेल जेट पर ये मिसाइल्स लगेगी। और इस मिसाइल्स के द्वारा यूएसए ने पाकिस्तान को जो मिसाइल सप्लाई की है AMRAAM, इस मिसाइल का भी आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। तो अगर यूपीएससी पूछे मीटियोर मिसाइल इंडिया ने किससे परचेज की है, आंसर होगा फ्रांस। और मीटियोर मिसाइल की जो खास बात है वो भी हमने डिस्कस की। चलते हैं आगे। आगे देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन चमाल के बारे में। ऑपरेशन चमाल देखो फ्रेंच मिलिट्री ऑपरेशन है सीरिया में और इराक में, ताकि इस्लामिक स्टेट के एक्सपेंशन को रोका जा सके। इस्लामिक स्टेट को बढ़ने से रोकने के लिए फ्रेंच मिलिट्री ऑपरेशन है सीरिया में और इराक में, नाम है ऑपरेशन चमाल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $450 बिलियन को पार कर गया है। देखो, अगर फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छा खासा होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का खतरा नहीं होता, और हम दूसरे देशों से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहें फॉरेन करेंसी में लंबे समय तक आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन एक लेवल के बाद अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होता है तो कोई काम का भी नहीं होता, क्योंकि फॉरेन करेंसी हम जमा करके रखते हैं या फिर गोल्ड जमा करके रखते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ उनका यूज़ नहीं होता, तो वो बस रखे रहता है। तो फॉरेक्स रिजर्व हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ना तो बिल्कुल कम होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का रिस्क ना हो, कल को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना पैदा हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे 1990-91 के आसपास हुआ था, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं थी, खास करके यूएस डॉलर, तो हमें IMF के पास जाना पड़ा था डॉलर को लोन पर लेने के लिए। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप $3 trillion या फिर $4 trillion स्टोर करके रख लो फॉरेक्स रिजर्व्स और उसका कोई एडवांटेज भी ना हो। खैर, क्वेश्चन देखो यूपीएससी इस चीज़ पर पूछती है कि फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया क्या क्या स्टोर करके रखता है।
चार चीजें देखो इंडिया स्टोर करके रखता है फॉरेक्स रिजर्व्स में। सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, दूसरे बड़े देशों की करेंसी जैसे डॉलर, पौंड, ये सब चीजें, दूसरे नंबर पे गोल्ड, तीसरे नंबर पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर, और चौथे नंबर पे रिवर्स ट्रांच पोजिशन। इन दोनों के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, एसडीआर क्या है और रिवर्स ट्रांस पोजिशन क्या है, क्योंकि इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, खास करके एसडीआर के बारे में। एसडीआर का मतलब है देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स, जिसको मेंटेन किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। देखो ये एज सच कोई करेंसी नहीं है, इसका यूज किया जाता है आईएमएफ के द्वारा अकाउंटिंग के लिए। काफी बार ये बेसिक फैक्ट यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है, क्या एसडीआर कोई करेंसी है? नहीं, ये करेंसी नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आईएमएफ के द्वारा अकाउंटिंग के लिए। और पांच देशों की करेंसी के आधार पर एक एसडीआर की कीमत तय होती है, यूएस का डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जैपनीज येन और ब्रिटिश पौंड। इन पांच करेंसीज के आधार पर वन एसडीआर यूनिट की कीमत तय होती है, वैल्यू तय होती है। कौन से करेंसी की वेटेज कितनी होती है एसडीआर की वैल्यू डिसाइड करने में, वो भी यहां पर दिया हुआ है, आप एक नजर डाल सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें एसडीआर के बारे में, देखो एसडीआर को क्रिएट किया गया था आईएमएफ के द्वारा 1969 में, और आप देखो एसडीआर को अपने पास नहीं रख सकते एज ए करेंसी, जैसा हमने डिस्कस किया इट इज नॉट ए करेंसी। इसको रखा जा सकता है गवर्नमेंट्स के द्वारा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। मैनेजमेंट जो होती है इसकी आईएमएफ के पास होती है, और बाकी जैसा हमने डिस्कस किया पांच देशों की करेंसी के आधार पर वैल्यू तय होती है एसडीआर की। एसडीआर को जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स ट्रांस पोजिशन के बारे में। रिवर्स ट्रांस पोजिशन का क्या मतलब होता है? देखो आईएमएफ का खर्चा कैसे चलता है, हर एक देश कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में, मतलब हर एक देश को अपना कोटा फुलफिल करना होता है आईएमएफ में, और उसी से खर्चा चलता है आईएमएफ का। आईएमएफ फर्दर लोन देता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो कोटा है मान लेते हैं $100 मिलियन। अब देखो इंडिया को $100 मिलियन देने हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया सारे के सारे पैसे अपनी करेंसी में देगा, या फिर सारे के सारे पैसे यूएस डॉलर में देगा, या फिर सारे के सारे पैसे एसडीआर में देगा। एक मैकेनिज्म ऑलरेडी डिसाइडेड है जिसके तहत इंडिया कुछ पैसे एसडीआर में दे सकता है, कुछ पैसे अपनी करेंसी में दे सकता है, और कुछ पैसे यूएस डॉलर में दे सकता है, या फिर जो भी दूसरी डिसाइडेड यूजेबल करेंसी है उनमें दे सकता है। तो अब देखो रिवर्स ट्रांस पोजिशन का मतलब यह होता है डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ होल्डिंग्स ऑफ दैट कंट्री करेंसी एंड कंट्री आईएमएफ डेजिनेटेड कोटा। अब मान लीजिए इंडिया का जो कोटा है $100 मिलियन है, और $100 मिलियन में से $50 मिलियन इंडिया ने दे दिए आईएमएफ को अपनी करेंसी में, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा रिवर्स ट्रांस पोजिशन। मैं फिर से बोलता हूं, किसी देश का आईएमएफ में जो कोटा होता है वो वैल्यू माइनस जितना पैसा उस देश ने अपनी करेंसी में दिया है आईएमएफ को, दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस लेकर आओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी रिवर्स ट्रांस पोजिशन की। कुछ और इंफॉर्मेशन देखो, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है $450 बिलियन को पार कर चुका है, इसके सहयोग से अब इंडिया 11 महीनों तक इंपोर्ट कर सकता है। अगर इंडिया को फर्दर कोई डॉलर नहीं भी हासिल होता है तो भी, मतलब अगर इस फॉरेक्स रिजर्व में हम कुछ ऐड ना करें तो भी $450 बिलियन की सहायता से आने वाले 11 महीनों तक हम लगातार इंपोर्ट कर सकते हैं। इस साल ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बड़ा है, सितंबर 2013 में $275 बिलियन के आसपास हो गया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो उसके बाद हमने कदम उठाए थे डॉलर वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद से 6 सालों में हम $175 बिलियन के आसपास ऐड कर चुके हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के बारे में है। देखो एक नाम है यनोमामी समन दवी कोपेनावा, ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हो ये इनका नाम है, इनको दलाई लामा ऑफ रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
इनको इस बार का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे अल्टरनेटिव नोबल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये देखो एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो उन लोगों के काम को सम्मान देने के लिए दिया जाता है जो कि आज के समय में जो चैलेंजेस हैं उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के आते हैं या फिर आंसर्स देते हैं। आज हमारे समाज में जो चैलेंजेस हैं उनका आंसर अगर किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है तो उसको सम्मान देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में जर्मन स्वीडिश फिलेंथ्रोपिस्ट जिनका नाम है जैकब वोन यूएक्सकल, इनके द्वारा। और हर साल देखो दिसंबर में ये अल्टरनेटिव नोबल प्राइज़ यानी द राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल महाराजा दलीप सिंह के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो कंटेस्ट ये है, कांग्रेस के एमपी हैं प्रताप सिंह बाजवा, इन्होंने राज्यसभा में डिमांड की है कि महाराजा दलीप सिंह के जो रिमेन्स हैं इंग्लैंड में उनकी कब्र में, उनको इंडिया में लाया जाए अमृतसर में। महाराजा दलीप सिंह के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, ये सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे। 1849 में यानी 1849 में ब्रिटिशर्स ने सिखों को डिफीट किया वार में और दलीप सिंह को फोर्स किया गया था लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, जिसकी सहायता से ट्रीटी ऑफ लाहौर को अमेंड किया गया था और सोवरेनिटी जो थी सिख एम्पायर के ऊपर उसको छोड़ दिया गया था दलीप सिंह के द्वारा। और इसी लीगल डॉक्यूमेंट की सहायता से कोहिनूर जो डायमंड था वो भी ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया था। बाद में देखो 1853 में महाराजा दलीप सिंह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए और सेटल डाउन हो गए यूके में 1854 में, लेकिन बाद में वो फिर से सिखिज्म में कन्वर्ट कर गए और पेरिस में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने आयरिश रेवोल्यूशनरीज की और रशियंस की हेल्प मांगी थी ताकि पंजाब में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया जा सके, लेकिन वो ऐसा करने में असफल साबित हुए थे। 1893 में पेरिस में उनकी मौत हो गई थी 55 साल की उम्र में और बाद में उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया था इंग्लैंड में। तो ये हमने महाराजा दलीप सिंह के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की। लास्ट आर्टिकल है एक्सरसाइज इंद्र 2019 के बारे में। इंद्रा देखो ये एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच, कंडक्ट होगी साइमल्टेनियसली तीन जगहों पर, बबीना जो झांसी के पास है, पुणे और गोवा में। एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2003 में और फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई 2017 में। उसके बाद रेगुलरली ये इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच कंडक्ट होती रहती हैं। उसके बाद ये डेकोरेटिव चीज़ें हैं, क्या कुछ फ़ायदा होगा इस एक्सरसाइज से। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।